कोडरमा में फर्जी बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। तिलैया पुलिस ने इस गिरोह के एक युवक को दुमका से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक फिंगर स्कैनर मशीन, मोबाइल सहित बैंकों का 108 एटीएम कार्ड और 10 पासबुक भी बरामद किया है। बंद करके इनको फोन किया जाता है और इनका बैंक अकाउंट की अपडेट करने के बारे में पूछा जाता है और उनसे जो है वो बोलता है वो लोग कि आपके फोन पर एक ओटीपी जाएगा जो आप उनको बताएंगे, जिससे आपका डॉक्यूमेंट जो है चाहे जो भी हो एटीएम या पासबुक अपडेट हो जाएगा। आदमी झांसा में आकर उनको एटीएम बता देता है और इस तरह से वो उसके अकाउंट से पैसा को जो है फ्रॉड करके निकाल देता है। रामदेव प्रसाद से 96,000 रुपया हम लोग जो है इस तरह चिट करके ले लिया। इस पर जो है एसपी साहब के निर्देशानुसार एक टीम बनाया गया जिसमें टेक्सियल के भी स्टाफ लोग थे, मोबाइल का टेक्निकल स्टडी कर करके है। इसमें जो है कुछ लोगों का नाम आया, उसके आधार पर जो